प्रदेश में हॉकी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हिमाचल हॉकी संघ ने प्रयास तेज कर दिया है और इसके चलते ही आज हमीरपुर में अर्जुन अवार्डी एवं भारत हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदारा सिंह और उनके भाई ओल्पियन दिलबाग सिंह ने शिरकत की। बाल स्कूल खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चार जिलों के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों को सरदार सिंह के द्वारा टिप्स दिए गए, वहीं हॉकी किट भेंट की गई। सरदारा सिंह ने बातचीत के दौरान हॉकी इंडिया के उज्जवल भविष्य की भी कामना की और उम्मीद जताई है कि जुलाई में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में भारत के पुरुष व महिला बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। हिमाचल हॉकी संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में हॉकी की प्रतिभाओं को निखारने के लिए कदम उठाते हुए हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिला के हॉकी के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों के मार्गदर्शन के लिए बीड़ा उठाया है। इसी के चलते हमीरपुर में पहुंचे पूर्व कप्तान हॉकी सरदारा सिंह ने खिलाड़ियों को टिप्स दिए और हॉकी खेलने के मूल मंत्र को बताया। सरदारा सिंह ने कहा कि हिमाचल की हॉकी को उज्जवल बनाने के लिए अनुराग ठाकुर के साथ प्रयास कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत खिलाड़ियों को तराशने की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में हिमाचल भी मॉडर्न हॉकी को अपनाते हुए बेहतर प्रदर्शन करेगा। सभी लोगों का इतना प्यार किया, अपने रिस्पेक्ट दिया और सबसे पहले श्री अनुराग ठाकुर जी और उसके बाद मेरे कोसा और रमेश पठानिया जी, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं छोटा था सबसे पहले जो फर्स्ट मेरा कैंप था इनके अंडर था और काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि पिछले 15 साल से मैं नेशनल टीम में बिजी था और अभी कुछ टाइम पहले श्री अनुराग ठाकुर सर से बात हुई थी। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमारी जो हिमाचल हॉकी है उसको हमने ऊपर लेके आना है और दिल्ली में एक दो मीटिंग्स हुई थी और ऑफकोर्स आज वो नहीं आ पाए, हो सकता है कोई रीज़न हो गए, बट आज हम आए हैं विजिट करने आए हैं कि जो हमारे बच्चे हैं एक्चुअली आजकल की जो मॉडर्न हॉकी है उसको जो यंगस्टर्स हैं, टैलेंट की इंडिया में कमी नहीं है, बट बच्चों को राइट एक अच्छी डाइट और मॉडर्न हॉकी और जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उस तरीके की और बेसिक हमारी जितनी स्ट्रांग होगी उतना हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो उस तरीके की हम प्लान करेंगे अभी कोसब के साथ बैठ के और कितने हमारे इधर बच्चे आते हैं हिमाचल हॉकी को, और हम ट्राई करेंगे इन फ्यूचर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इधर आके जो यंगस्टर्स उसके साथ शेयर करूं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे पंजाब में, हरियाणा या दूसरे स्टेट्स हैं उससे हमें कितने प्लेयर मिल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे हिमाचल से भी प्लेयर हैं जो इंडिया टीम को की तरफ से खेलें। लोगों को पता बट पिछले 5-7 साल से इवन पूरा ऑल ओवर अगर हम देखें सारी स्पोर्ट्स में बेटर हो रहा है। हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हुई है और सभी डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में अपनी लीग स्टार्ट हुई है और स्पेशली जो आपने बोला कि अगर हॉकी की बात करें, बिल्कुल जो स्टार्टिंग से अगर हम बच्चे को अच्छे तरीके की ग्राउंड, जो इक्विपमेंट्स जैसे मैंने बोल रहा है मॉडर्न हॉकी में राइट ट्रेनिंग देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है हॉकी में। ऑफ कोर्स पहले हमारा ये था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे जो मेजर इवेंट्स हैं 4 साल के बाद रहते हैं, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियन गेम, और हार्डली जो ऑस्ट्रेलियन है उनके साथ हमने कभी मैचेस नहीं खेले और जब हम ओलंपिक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो एक मैच उनके साथ खेलते हैं और हमें पता नहीं होता कि उन प्लेयर्स की क्या वीकनेस है, क्या पॉजिटिव है, कहाँ से हम उनके जो पॉजिटिव साइन है। तो मेरे ख्याल से हॉकी इंडिया लीग का हमें ये एडवांटेज हुआ कि 1 मंथ आगे जो उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, और वो अपने आप को कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं, क्या खाना पीना, वो सारी चीज़ें आई थिंक हमारे यंगस्टर सीख रहे हैं। और आपने देखा है अभी जो हमारा रैंक है 5th हुआ है, जब हमने स्टार्ट किया था रैंक 15 था, तो इट टेक्स सम टाइम है ना टीम को डेवलप करने में। तो अभी एक मैं कहूँगा कि हॉकी इंडिया एक अच्छे तरीके से जो प्रॉपर कोचेज फैसिलिटीज़ दे रही हैं तो दूसरी स्टेट्स में भी काफ़ी अच्छा हो रहा। नहीं देखिए, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है और पिछले कुछ टाइम से हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग, राइट ट्रेनिंग वो सब कुछ हो रहा है, बट द थिंग इज़ कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी हमें आ रही है जो एक कोच है उसको कंटिन्यू करना चाहिए और जो सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि बार बार आप हर एक मेजर टूर्नामेंट से पहले 5-5, 6-6 प्लेयर चेंज कर रहे हैं, आई थिंक वो सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा कम करेंगे एक कोच के साथ और एक जो आपका कोर ग्रुप है उसको अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आई थिंक इट्स मच बेटर टू गेट रिजल्ट। प्रीमियर हॉकी लीग पर सरदारा सिंह ने कहा कि लीग के शुरू होने से देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है, जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी निखार देखने को मिल रहा है। हॉकी में डोपिंग पर सरदारा सिंह ने कहा कि
राष्ट्रीय स्तर के कैंपों में डोप पर विशेष नजर रखी जा रही है और खिलाड़ियों को डाइट के साथ साथ फिजिशियन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि डोप की समस्याओं में खिलाड़ी ना फंसे। उन्होंने खुशी जताई है कि अभी तक हॉकी इंडिया डोप फ्री चल रही है। डोपिंग देखिए, मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि जो हमारे अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो भी हमारे बेंगलोर में कैंप रहते हैं, हमारी चेकिंग रहती है, जितने भी एथलीट्स उधर रहते हैं, तो बेटर है कि जितना डोप फ्री रह के आप कोई भी जितने एथलीट्स हैं डोप फ्री अगर आप मेरे ख्याल से ट्रेनिंग करोगे, आई थिंक वो आपके लिए बेटर है। तो अगर मेरे ख्याल से जो हमारी हॉकी में पिछले कुछ टाइम से ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ स्पेशल ट्रेनर्स हैं और उसके बाद डाइटिशियन हैं, वो प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं कि आपको लेना क्या है। आप कोच साहब के साथ अंडर ट्रेनिंग रहे हैं, तो क्या आप ये समझा जाए कि आप हिमाचल हॉकी के लिए एज ए मेंटर काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कोच साहब को, श्री अनुराग ठाकुर जी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से मेरे को बोला था, बट आज मेरे को टाइम मिला और सबसे पहले बिल्कुल कोच साहब के साथ, क्योंकि हमेशा ये अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छा प्लेयर है, और इन्होंने इनके अंडर मेरे एक दो टूर भी हैं और पटियाला में मेरे को याद है, तो बिल्कुल मैं हमेशा थैंक यू करता हूँ जितने भी मेरे करियर में मेरे कोचेज रहे हैं जिन्होंने मेरे को इस लेवल तक पहुँचाया। तो बिल्कुल कोच साहब ने जो स्टार्टिंग मूवमेंट थी मेरी कोच साहब के साथ। वुमेन हॉकी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हॉकी इंडिया ने सभी जितने भी हमारे जूनियर जो लड़के हैं, मेंस वुमेन सभी में अभी सेम, जैसे मैंने बोला कि अच्छे कोचेज हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है, लड़कियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी नेक्स्ट मेरे ख्याल से हमारे ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड स्टार्ट हैं जून में, तो उम्मीद करते हैं उसमें टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी।